Hello friends, welcome to the Navigator Seated Classes. This is Deepak Diwakar. Today I'm going to discuss history. Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, जो कि आपको सीटेट एग्जामिनेशन में पेपर टू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप इसको क्या कीजिएगा, बारी बारी से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक नोट्स तैयार करें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज जो है हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, बहुत ही बारीकी से समझेंगे, जानेंगे, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनेशन हो उसमें हम लोग तुक्का ना मारे और क्या करें, एग्जैक्ट आंसर दे करके आए। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में, जिसमें है प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1857 ईस्वी में क्या किया था कि बंगाल का नवाब सिराजुल दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें सिराजुल दौला की हार हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिराजुल दौला को मारकर बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, बंगाल नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, तो कंपनी ने उसे हरा कर क्या किया कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, प्लासी का युद्ध का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इसी युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजी प्रशासन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, ठीक है, अब आइए हम लोग बक्सर का युद्ध के बारे में जानते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुल दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने इन तीनों को क्या किया था, हरा दिया था। ठीक है, इस युद्ध के बाद फिर क्या किया कि मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ठीक है, उसे हर महीने क्या करना था, 500,000 टैक्स के रूप में देना था कंपनी। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी क्या किया, खुद ही बंगाल का नवाब बना, जिसे दीवान भी कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, एक्चुअल मुनरो ने किया था। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने क्या किया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ है, बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या की, रेजिडेंट तैनात कर। ठीक है, ये रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, जो कंपनी के क्या करते थे, हितों की रक्षा करते थे। ठीक है, अब आइए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग जानते हैं। यह क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर था और दो बार गवर्नर के पद पर बना रहा ये। ठीक है, उसने इस पद पर क्या किया, बेहिसाब धन कमाया, ऐसा आरोप लगाया गया था। ठीक है, 1772 ईस्वी में ब्रिटिश सांसद में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वे क्या हुआ, बड़ी हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब आइए सहायक संधि के बारे में जानते हैं। इस संधि के तहत जो रियासत जिसे स्वीकार करती थी, उसे कंपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं देता था। क्या था कि उसे कंपनी की तरफ से ही सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, और इसके बदले में क्या करना होता था कि उसे कंपनी को पैसा देना पड़ता था सेना के बदले में। ठीक है, अब जो है, अब इसमें सहायक संधि में जो है, इसमें क्या था कि जो रकम नहीं दे पाता था, ठीक है,
उसके क्या किया जाता था, रियासत जो भी था उसको क्या कर लिया जाता था, कंपनी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। ठीक है, जैसे में हम एक अवध के नवाब अपना रकम नहीं चुका पाए थे, जिससे क्या किया था, उसे आधा आधा रियायत देने के लिए क्या किया था अंग्रेजों ने, मजबूर कर दिया था। ठीक है, सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शासन में सहायक पद्धति शुरू करने वाले गवर्नर कौन थे, ये लॉर्ड वेलेजली थे। ठीक है, अब सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे उस समय, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और बड़ावत। ठीक है, ये जो छह राज्य हैं, ठीक है, सहायक संधि क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, अब इसमें क्या किया था, मैसूर के शासक हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों के चार युद्ध, पहला युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 टू कितना हुआ था 1769 तक चला था, द्वितीय आंग्ली मैसूर युद्ध कब हुआ 1780 टू 1784 तक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ 1790 टू 1792। ठीक है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ 1799। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या किया था, टीपू सुल्तान मारा गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत मैसूर पर भी सहायक संधि हो गई। चलिए दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। थैंक यू वेरी मच।